अस्सलामु अलैकुम गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है वो सेकंड रमज़ान है और इस वक्त जो है जुम्मा है। तो फिर अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज वगैरह पढ़ने, और फिर आकर जो है वो हम चलेंगे तोतों के पास। आप लोगों को जो है दोनों जो है हमारे जो तोते हैं हरे वाले, उनकी मटकियाँ चेक कराएंगे। एक ने तो जो अंडे दिए हुए हैं, अब देखते हैं कि कितने अंडे जो है वो निकलते हैं। तो फिर अभी हम चलते हैं नमाज पढ़ने और फिर आकर आप लोगों को जो है दिखाते हैं। सब खाना और पीने से होते हैं लेकिन कुरान से नहीं होते। किसी औरत में हमेशा अल्लाह का नजर है। हम औरतों जब बाहर औरतें चलते हैं हमारे उन पर नजरें होती हैं और रोने की हालत में नहीं देते कि हमारा रोजा है उनको बचे। वैसे ही गुनाह है किसी औरत में नजर रखना, लेकिन हमें इस दिन का एहसास ही नहीं है। तो प्यारे महबूब इस्लाम को सलाम ने फरमाया, इस्लाम के पांच अरकान में जिसने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम की है। लेकिन प्यारे नाम पर इस्लाम इस्लाम ने फरमाया जन्नत को खोलने के लिए, ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। और चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और चाबी के अंदर दंतान होते हैं, अगर दंतान न हो तो वो ताला नहीं खोलेगी, ताले को नहीं खोलेगी। वो किस तरह ताले को खोलेगी? वो इस तरह जब उसके अंदर दंतान होंगे तब खोलेगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये जन्नत की चाबी है और इसके दंतान नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। ये दंतान है चाबी। अगर ये चीजें हमारे अंदर मुकम्मल है तो फिर हम कामयाब है। हमारा सीना है हमेशा साफ होना चाहिए। हम रोजे रखते हैं तो रोजे का एहतमाम पर जो है मैं करने लगा अपने ब्लॉग को एंड। और कल वाली वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे पास जो है चूजे हैं असील जो है नस्ल है उनकी, तो वो कल आप लोगों को दिखाऊंगा। वो मैंने बाय किए हैं अभी अभी। कल वाली वीडियो में आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे। ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो हमें याद रखियेगा। अल्लाह हाफिज़।